गाइस आपके पास टाइम नहीं है पूरा दिन वर्कआउट करने का एक्सरसाइज करने का, तो ये कुछ एक्सरसाइजेस हैं जो आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी एक्सरसाइज बिफोर गोइंग टू बेड। सो गाइस लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो एवरीवन, मैं हूं दी एंड गाइस आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूं स्टमक वर्कआउट बिफोर बेड, यानी कि अगर आप सोने लगे हैं एंड आपको पूरा दिन टाइम नहीं मिला है वर्कआउट करने का एक्सरसाइज करने का, तो ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं जो कि आप कर सकते हैं रात को सोने से पहले। और बाद में हम करेंगे स्टमक की स्ट्रेचिंग, बिकॉज स्ट्रेचिंग करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप किसी पर्टिकुलर बॉडी पार्ट को एक्सरसाइज करवा रहे हैं, पर्टिकुलर बॉडी पार्ट की एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उसकी स्ट्रेचिंग करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि अगर आप ये रात को कर रहे हैं वर्कआउट कर रहे हैं, तो कम से कम आपके मील में और इस वर्कआउट में होना चाहिए है 2 से 3 घंटे का गैप। अगर आप प्रॉपर मील ले रहे हैं जिसमें कि आप चावल दाल रोटी जो भी खा रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको खाना खाते ही ये वर्कआउट नहीं करना शुरू कर देना है। तो आप एक चीज़ बहुत अच्छी कर सकते हैं, जैसे कि मैं बोलती हूँ कि आपको अपने लाइफस्टाइल को बदलने की ज़रूरत है, अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं फिट रहना चाहते हैं, तो मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी रात को खाना खाने के बाद। दिस इज़ माई एडवाइस टू यू कि रात को खाना खाने के बाद आप वॉक पे ज़रूर जाएं, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पूरा दिन टाइम नहीं मिल रहा है वर्कआउट करने का एक्सरसाइज करने का, तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा दिन में आप 30 मिनट या 25 मिनट अपने लिए ज़रूर निकालें। तो दैट इज़ द बेस्ट थिंग कि आप खाना खाने के बाद आधे घंटे के बाद जाएं वॉक करने, तो कम से कम 20-25 मिनट ज़रूर लगाएं। आप पूरे अपने घर का चक्कर मार सकते हैं या पूरे सेक्टर का चक्कर मार सकते हैं, जैसे भी आपको कंफर्टेबल लगे। तो उसे कहीं ना कहीं आपका ज़्यादा कैलोरीज बर्न होंगी और उतना ही आपको वेट लूज़ करने में हेल्प करेगा, और आपकी कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, आपके हार्ट के लिए, आपके लंग्स के लिए इट इज़ द बेस्ट वर्कआउट। गाइज आज हम करने वाले हैं 4 एक्सरसाइज, सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप इन एक्सरसाइजेस को अपने बेड पर कर सकते हैं और बहुत ही सिंपल और ईजी एक्सरसाइजेस मैंने रखी हैं। सो गाइज लेट्स गेट स्टार्टेड। प्लीज गाइज नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे फटाफट क्लिक कर दीजिए अगर आप इसी टाइप की वीडियोस देखते रहना चाहते हैं। एंड सब्सक्राइब का बटन क्लिक करने के बाद एक बेल आइकन बनाएगा, तो उसे क्लिक करना मत भूलें। होगा क्या, जब भी मैं अपनी वीडियो अपलोड करूंगी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आप मेरी वीडियो इजिली इंजॉय कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ टाइम हम शुरू करने वाले हैं वर्कआउट नंबर 1। फर्स्ट एक्सरसाइज इज ग्लूट ब्रिज। Lie on your back with knees bent at 90 degree and the feet flat on the floor. Engage your core muscle to stabilize the lumbar spine in the neutral position and maintain position throughout the exercise. Exhale and activate gluteus muscles to elevate the hips off the floor until body is level in one line from knees to their shoulders. Begin by holding the position for 10 to 20 seconds, gradually building up to 1 minute hold. Have to do 3 sets of glute bridge. Next exercise is side plank. Lift one's hip up so they are in one line with one's feet and shoulders, resembling a plank. Keep one's body straight from the above view as well. Do not stick one's glute out or push one's chest forward. Place left hand on the hip. Hold the position for as long as one can without letting their hips drop. Then repeat on the other side. You have to do 3 sets of side planks. Next exercise is plank leg kick. Get into push-up position, but bend elbows and rest of your body weight on your forearms instead of your hands. Body should form a straight line from your shoulders to your ankles. Raise one foot, bend the knees and bring it forward the chest until the thigh is perpendicular to the ground. Kick the leg back slowly but forcefully until it is fully extended. Hold the position for 5 seconds and then come back to the plank position. Repeat with the other leg. You have to do 3 sets of plank leg kick. Another exercise is Superman. Get down on the hands and knees on the floor with the hand position directly under the shoulder and your knees position directly under the hips. Engage core muscles to stabilize the lumbar spine in the neutral position and maintain this position throughout the exercise. Execution. First, raise right leg off the floor, straighten it behind one, and simultaneously lift and straighten one's left arm in front of you. Hold this position for 5 seconds, then repeat with opposite limbs. You have to do 3 sets of Superman workout. Stretching will be cat and camel stretch. On all four on the floor, arch your back
up as high as possible. Hold for between 20 to 30 seconds, then relax. Then let your back slump down as if trying to get the navel to the floor. Hold for between 20 to 30 seconds, then relax. Another stretching is abdominal stretch. Place your hand on the floor at shoulder level. Lift your upper body away from the floor, straightening your arms. Keep your hips flat on the floor. Hold for between 20 to 30 seconds. That's it girls, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है उसे फटाफट क्लिक कर दीजिए. एंड गाइस आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं मुक्ति गौतम के नाम से. एंड गाइस आप मेरा चैनल देख रहे हो मत भूलें जिसका नाम है फूडी वी, एंड दैट चैनल इज ऑल अबाउट चैलेंजेस. तो उसमें बहुत ही हम फन एक्टिविटी करते हैं, अलग अलग जगह पे जाके फूड एक्सप्लोर करते हैं, खाना ट्राई करते हैं, फूड चैलेंजेस करते हैं. एंड गाइस आप मेरे ब्लॉग्स भी पढ़ सकते हैं www.muktigautamfitness.com पे. लेट्स गर्ल्स, बाय, गुड नाइट, हैव सी ड्रीम.